ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पंचायत चुनाव में हो रही देरी को लेकर आजसू ने सरकार को घेरा है। आजसू प्रमुख सुदेश महतो ने राज्य सरकार पर टिप्पणी की है, सरकार सत्ता के विकेंद्रीकरण से भाग रही है। पहली बार मैंने पंचायतों को उसका अधिकार दिलाने का काम किया था, दो साल के कामों के मूल्यांकन के बाद भी भाग रही है सरकार। पंचायत चुनाव में जनता सरकार के कामकाज का मूल्यांकन करेगी। तो दो साल के कामों के मूल्यांकन के बाद भी सरकार भाग रही है, ये कहना है आजसू का। और सहयोगी राकेश हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। राकेश, पंचायत चुनाव में हो रही देरी को लेकर के आजसू ने सरकार को जिस तरीके से घेरा है, क्या लगता है कि सरकार को घेरने के पीछे क्या उद्देश्य रहा है? नहीं, देखिए, आजसू जो है वो गांव की सरकार की बात शुरू से करती रही है, वो उसके चुनावी मैनिफेस्टो में भी रहा है। और जिस तरीके से क्योंकि ये पहले टेंटेटिव माना जा रहा था कि सरकार जो है वो जनवरी फरवरी में पंचायत चुनाव करा लेगी और उसको लेकर प्रशासनिक तैयारी भी लगभग पूरी हो चुकी है, लेकिन सरकार की तरफ से बहुत इनिशिएटिव नजर नहीं आ रहा है। पिछले कैबिनेट की बैठक में उम्मीद की जा रही थी कि इस पर कुछ फैसला आ जाएगा, लेकिन कोई फैसला आया नहीं। और तो उससे राजनीतिक गलियारों में इस बात को लेकर चर्चा हो रही है। खासतौर पर आजसू को लग रहा है कि सरकार की मंशा स्पष्ट नहीं है, सरकार पंचायत चुनाव कराना से भागना चाहती है। इससे पहले भी दलगत आधार पर पंचायत चुनाव न कराने के राज्य सरकार के फैसले पर भी आजसू आपत्ति जता चुका है, और अब जिस तरीके से देरी हो रही है तो उस पर भी आजसू ने आपत्ति जताई है और राज्य सरकार पर निशाना साधा है कि सरकार पंचायतों को उसका हक अधिकार नहीं दिलाना चाहती है। और यही वजह है कि सत्ता का जो है वो केंद्रीकरण रखना चाहती है, विकेंद्रीकरण नहीं करना चाहती है। तो इस तरह के आरोप आजसू प्रमुख सुदेश महतो ने राज्य सरकार पर लगाए हैं और ये कहा है कि जल्द से जल्द चुनाव हो जाना चाहिए, पंचायतों को जो उनका हक और अधिकार है वो उनको मिल जाना चाहिए। दोस्तों, बिल्कुल राकेश, जिस तरीके से आजसू ने ये कहा है कि मूल्यांकन करेगी जनता और इसकी वजह से शायद सरकार जो है वो देरी कर रही है, इसे आप किस तरीके से देख रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, आजसू प्रमुख सुदेश महतो का ये कहना है कि राज्य सरकार के कामकाज का एक तरीके का रिफ्लेक्शन होता है कोई भी चुनाव, चाहे वो पंचायत स्तर का ही चुनाव क्यों ना हो। तो सरकार ने दो साल की अगर सरकार के कार्यकाल को देखे अब तक के, तो बहुत कुछ सरकार ने किया नहीं है, सिर्फ कोरोना का बहाना बनाते रह गई सरकार। तो इस वजह से भी राज्य सरकार जो है वो पंचायत चुनाव कराने से डर रही है। हालांकि दलगत चुनाव होना नहीं है जी, लेकिन फिर भी उनको लगता है कि राज्य सरकार के कामकाज का उस चुनाव में मूल्यांकन होगा और यही वजह है कि सरकार भाग रही है चुनाव कराने से। जोशना जी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका राकेश। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।